बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर बड़े अटैक की तैयारी में है रूस। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बताया पुतिन का बैटल प्लान, और मोल्डोवा का जिक्र सामने आ रहा है। मोल्डोवा में हो सकता है रूस का अगला आक्रमण। लुकाशेंको ने सुरक्षा परिषद की मीटिंग में जो वॉर मैप दिखाया उसमें वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं मोल्डोवा का, और जिस इलाके को मैप में लुकाशेंको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं वो है मोल्डोवा। और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मोल्डोवा पर भी अटैक तय है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई थी लुकाशेंको ने, और उसमें बेलारूस के राष्ट्रपति एक मैप के जरिए ये बताते हुए नजर आए कि आगे का प्लान क्या है, कैसे कैसे और कहां कहां आने वाले वक्त में अटैक होना है, हमला होना है। और इसके बाद ही ये खबर लगातार सामने आ रही है कि अब मोल्डोवा जो है वो निशाने पर हो सकता है। आपको बताते हैं कि लुकाशेंको के इस वायरल वीडियो में क्या कुछ बेहद खास है, ये समझना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने बताया पुतिन का प्लान। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के वीडियो से कयासों का बाजार गर्म है। इस वीडियो के सामने आने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वीडियो में नक्शे के जरिए सुरक्षा अधिकारियों को प्लान बताते हुए नजर आ रहे हैं लुकाशेंको। नक्शे में रूस, बेलारूस, यूक्रेन और कुछ यूरोपीय देशों पर वो निशान लगाते हुए नजर आते हैं। ये देखिए लुकाशेंको, ये रहे, ये है पूरा मैप। उनके हाथ में एक स्टिक नजर आती है और स्टिक से वो तमाम इलाकों की तरफ इशारा करते हुए ये बता रहे हैं कि देखिए ये इलाके हैं, यानी आगे जो अटैक का प्लान है वो किन किन इलाकों को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ाया जाना है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में ये लुकाशेंको नजर आते हैं। ये देखिए ये मोल्डोवा की तरफ इशारा करते हुए लुकाशेंको नजर आते हैं, और इसी के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि अगला निशाना अब मोल्डोवा हो सकता है, और मोल्डोवा पर अटैक की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। तो ये अपने आप में जो अहम जानकारियां इस वीडियो के सामने आने के बाद सामने आई हैं उन पर भी बहस जरूरी है। लुकाशेंको ने बताया यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला टारगेट मोल्डोवा है, मोल्डोवा पर अब निशाना है यूक्रेन पर हमले में रूस के साथ बेलारूस के जल्द ही शामिल होने की है खबर। और ये बात लगातार सामने आ रही है कि बेलारूस पूरी तरह से रूस के साथ है, हम सब ये जानते हैं, लेकिन अब डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी बेलारूस की सेनाएं। बेलारूस के रास्ते 300 टैंक यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार हैं। बेलारूस की जमीन पर ही देखिए बातचीत हो रही, और तीसरे दौर की बातचीत से क्या कुछ उम्मीदें हैं इस पर बात हो रही है। दूसरी तरफ बेलारूस मोल्डोवा पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी बेलारूस की सेनाएं, ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में बातचीत से कोई हल निकलेगा इसकी उम्मीद भला कैसे की जाए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।